अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दिलनवाज़ और आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी। उम्मीद है कि आप बाखैरियत होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, 15 से 20 तारीख के दरमियान नया फ़्लाइट शेड्यूल आ गया है, जिन्हें स्पेशल फ़्लाइट कहा जाता है। उन फ़्लाइट में अगर मैं आपको इस वक्त की खुशखबरी देता चलूँ तो 5 दिन में 13 फ़्लाइट सऊदीया के लिए रखी गई हैं। जी नाज़रीन, 16 से लेके 20 तारीख तक 13 फ़्लाइट हैं सऊदीया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से जो कि पाकिस्तान आ रही हैं। जो लोगों ने रजिस्टर करवाया हुआ था ख़ुद को, वो आप तैयारी कर लें, आपका नंबर उम्मीद है कि इन्हीं 13 दिनों में आ जाएगा। नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले अपने देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि हम वीडियो बनाते हैं नाज़रीन आपके लिए, और आपका हमारे साथ यही तावन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला। नाज़रीन, वे आपको बताता चलूँ, 16 तारीख को सऊदीया से 2 फ़्लाइटें पाकिस्तान आ रही है, 17 को 3 आ रही है, 18 को 2 आ रही हैं, 19 को 2 और 20 तारीख को 4 फ़्लाइटें सऊदीया से पाकिस्तान आ रही हैं। जो शेड्यूल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया, वो भी साथ में स्क्रीनशॉट आपके लगा देता हूँ, ताकि आपके लिए देखने में आसानी हो सके कि कौन सी फ़्लाइट कब आ रही है, किस जगह से आ रही है। नाज़रीन, इसके अलावा इस शेड्यूल में बहरीन, इराक, कतर, यूके, यूएई, मलेशिया, इटली, कनाडा, कुवैत, बशीक, फ्रांस और ओमान के ममालक शामिल किए गए हैं, जो कि इन ममालक में इन डेट्स में पाकिस्तान वापस लेके पैसेंजर को आएंगी। तो नाज़रीन, बड़ी ख़बर यही थी, मैं सऊदीया के साथ ज़्यादा अटैच हूँ, तो सऊदीया के लिए कि 13 फ़्लाइटें 5 दिनों में आ रही हैं। अगर आपको टिकट नहीं भी मिल रहा, तो उम्मीद है कि इन 13 दिनों में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो आप पाकिस्तान पहुँचाएँगे। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि नाज़रीन हम बनाते हैं वीडियो आपके लिए, और आपका यही हमारे साथ तावन है कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, इसको शेयर करके दूसरों तक पहुँचाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके, और हमें लाइक करके बताते हैं कि हमारी वीडियो कैसी थी। मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।